हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए लाइव मॉक टेस्ट होता है। सभी सब्जेक्ट का, सभी विषयों का हम अभ्यास करते हैं, टेस्ट लेते हैं और बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं। सभी लोग लाइव आ जाइए। बिल्कुल, मैं लाइव आ चुका हूँ, क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है। एक बार आप लोग कॉमेंट करके बता दो सब कुछ क्लास में सही है ना, आवाज़ आ रही है आप सभी को। जो भी लोग आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, और सब लोग टाइम से आ जाया करो। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे 2 क्लासेस चलती हैं। सुबह 11 बजे आज मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास कराई थी। हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ में 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, इसके साथ भारतीय संविधान और चौथा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। 4 क्लासेस हो चुकी हैं टॉपिक वाइज और एक ही क्लास में सारे सब्जेक्ट में कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका PDF मिल जाएगा। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट देख लीजिए, सारे क्लासेस मिल जाएंगे, कवर कर लिया करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आप लाइव क्लास में आंसर कर पाएंगे। इसके साथ साथ बीएड प्रवेश परीक्षा में सफलता चाहते हो, अच्छा कॉलेज या सरकारी कॉलेज पर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको एक एक दिन अच्छे से तैयार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है। समय बहुत कम बच रहा है, जून में ही आपकी परीक्षा है। हमारे द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स भी तैयार किया गया है। जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने के लिए, 1-2 घंटे ही निकाल पाते हैं, उनको भैया नोट्स से पढ़ना चाहिए। नोट्स से जल्दी ही कवर हो पाएगा, वरना किताब या क्लास से आप सिलेबस नहीं कवर कर सकते हो, रिवीजन भी नहीं कर सकते हो। हमारे नोट्स में बहुत शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें दी गई है, सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स कवर किया गया है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी गई, 10 साल का पेपर भी डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और कीमत भी बहुत नाम मात्र 175 रुपीज। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड या यूपी बीएड का नोट्स चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो इस नंबर पे सारी जानकारी व्हाट्सएप पर दी जाएगी, तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास को देखने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज आज जरूर कर लेना और नोट्स को परचेज कर लेना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरी कोई सहायता चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, बीएड से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कर देना, डाउट जो भी आपके। इसके साथ साथ फॉलो भी कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे आगे की अपडेट्स के लिए, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च जरूर कर लेना और फॉलो कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं समान हिंदी का। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। 16 नंबर का सही जवाब सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट देगा। चलिए संध्या बहुत बढ़िया, विनीता वेरी गुड, स्वीटी गुड इवनिंग, चौबे रिद्धि कोई बात नहीं, चौबे रिद्धि जी अब से आप क्लासेस को ज्वाइन करें। अनीशा परवीन बहुत बढ़िया, मनु क्लासेस, रूबी, नीतू, सूफिया, समीक्षा, जूली कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया, मोनिका वेरी गुड, प्रीति गुप्ता। 16 नंबर का आंसर आना भी स्टार्ट हो चुका है, बी का उत्तर हो जाएगा भैया प्राक्तन ऐतिहासिक, ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखें 17 नंबर प्रश्न हिंदी का, तुलसीदास किसकी कविता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बताइए सभी लोग, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा 150 लाइव वॉचिंग कंप्लीट होना है भैया आज, कल 135 लाइव आ चुके थे ना, आज 150 का टारगेट है, जरूर पूरा करना, सभी लोग मिलजुल कर सपोर्ट करो, आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर आ रहा हूं। 17 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 17 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन यहां पर, जितने भी लोग उत्तर डी आंसर कर रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखें नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बहिष्कार का संधि विच्छेद कौन सा सही है। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद बताइए कौन सा सही है यहां पर। अर्चना बहुत बढ़िया, स्वाति वेरी गुड, प्रीतु बहुत अच्छा, दीपक भाई वेरी गुड, सूर्यांश, मनीषा, विनीता वेरी गुड, 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहिधनकार बराबर बहिष्कार, आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही संधि विच्छेद है बहिष्कार का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। 19 नंबर का जवाब दो मेरे साथियों, साहित्य से भी कई सारे प्रश्न आपके हिंदी में पूछा जाएगा, तो साहित्य को अच्छे से तैयार करना है और मैं कोशिश जरूर करूंगा कि साहित्य की एक स्पेशल क्लास आपको एग्जाम से पहले करा दूं, जिसमें जितने भी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करा दूं, रचना और रचनावाद, ठीक है, या रचना और रचनाकार के नाम से आपको एक क्लास करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सेशन को बहुत तेजी से लाइक एंड शेयर करें ताकि जल्दी से 150 लाइव वॉचिंग आज कंप्लीट हो जाए। 19 नंबर का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध भी कहते थे इनको, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रश्न देखें निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। 20 नंबर का सही जवाब बताइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पिंकी, बिल्कुल स्वाति बहुत अच्छा, शादिक सिद्दीकी वेरी गुड, अश्मिता वेरी गुड, आजाद अंसारी, जूली, विनीता, तौफीक, 20 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, पहिया, पहिया पुल्लिंग शब्द है, बहुत अच्छा। अब दोस्तों एक छोटा सा गद्यांश,
गद्यांश आपको कराऊंगा, गद्यांश पूछा जाओ, गद्यांश से 5 प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है, थीके? कभी 3 तो कभी 5 प्रश्न पूछता है, बहुत छोटा सा गद्यांश है, देखिएगा स्पष्टता, ध्यान से सुनिएगा, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। एक छोटा सा गद्यांश था, इस पे आधारित कुछ प्रश्न में बताइएगा। 21 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दो आप लोग। 21 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? का राइट आंसर बताइए। सोना चौहान बहुत बढ़िया, प्रियंका, चांदनी, शना, बनीता वेरी गुड, विनीता वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिद्धि। आंसर क्या हो जाएगा 21 का? सभी लोग शेयर करिए क्लास को एंड लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 21 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अलंकरण, बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग लाइव चैट में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, आपका चैट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 22 है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब बताइए। बाईस नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्यास। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ध्यान देना, नहीं है पूछा गया है। तबस्सुम बहुत अच्छा, वेरी गुड फौजी गर्ल, सतीश यादव, माही बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रीतु, अर्चना, बबली, माया देवी, लक्ष्मी, प्रदीप, आजाद, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। 23 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन? तो 23 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, यार अलावा, ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। अगला देखिए, 24 नंबर है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब बताइए। सचिन भाई बहुत अच्छा, 24 नंबर का उत्तर बताइए। सभी लोग शेयर करें, क्लास को लाइक करें, संख्या बहुत कम है लाइक की संख्या बढ़ाइए भैया, सब लोग लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 24 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, बहुवरी समास हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, देखिए जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं या किसी की तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तब बहुवरी समास होता है। जैसे मृत्युंजय शब्द यहां पर दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब होता है मृत्यु को जीतने वाला, और इसका अर्थ क्या निकलता है, शिव जी, ठीक है, यहां मृत्यु और जय मिलाकर तीसरा पद शिव की ओर संकेत कर रहा है, तो यहां पर बहुवरी समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 25 है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब बताइए। स्तुति करिए सर, साइंस और स्टडी जीके, बिल्कुल सुबह 11 बजे वाली मैं किसी दिन लूंगा, साइंस का भी करा दूंगा और स्टडी जीके भी करा दूंगा, कल ही हो सकता है स्टडी जीके में करा दूं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग 11 बजे वाली क्लास छोड़ देते हैं भैया छोड़ना मत, बाद में देख लिया करो अगर टाइम नहीं मिलता है, और कोशिश करो कि आप लोग टाइम से आए, 11 बजे लाइव क्लास को करने की कोशिश करें। कोई बात नहीं रजिया जी, वो भी बहुत जरूरी चीज है, अच्छी बात है। 25 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, बी का उत्तर हो जाएगा, अल, अल बिल्कुल सही उत्तर है, उपसर्ग है यहां पर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा, यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय यहां पर पूछा गया है, तो यहां पर किसका, पुस्तक का पूछा गया है ना, 26 का जवाब दो, रेखा यहां पर है, 26 का क्या हो जाएगा, तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण लगा है और पुस्तक विशेष है, एक वचन और स्त्रीलिंग है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 27 है, विशेषण विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, विश्लेषण शब्द का विलोम बताइए, बताइए समीक्षा जी। संजू वेरी गुड, रिद्धि, सोना वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तौफीक भाई बिल्कुल सही जवाब, संजू, आंसर क्या हो जाएगा रजिया, 27 का जवाब दीजिए। 100 लोग जुड़ चुके हैं क्लास में, मात्र 50 लोगों की कमी है, उम्मीद है बहुत जल्दी आज संख्या कंप्लीट हो जाएगी। का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर सी का उत्तर हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 देखें, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, 28 का उत्तर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, दंते कहते हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जवाब देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, वर्णमाला अच्छे से पढ़ लो भैया, जब मैं हिंदी का टॉपिक वाइज 11 बजे स्टार्ट करूंगा जीके वाले टॉपिक खत्म होने के बाद, तब मैं आपको वर्णमाला के अच्छे खासे क्वेश्चन करा दूंगा जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वर्णमाला अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के तो वर्णमाला पे ही बेस्ड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके जो वर्ण है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, बहुत बढ़िया, मैंने पहले ही बताया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब। बहुत अच्छा, 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा, अत्यधिक यानी बहुत अधिक और अत्यल्प यानी बहुत कम। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जीके स्टार्ट होगा, तो जीके भैया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेगा, साइंस कंप्यूटर जीके स्टैटिक जीके सब मिक्स है यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत बड़ी सेट है ये प्रैक्टिस सेट। 56 नंबर देखे, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर पारफ्रॉस्ट पाए जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब, इसमें अधिकतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर सी का उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रश्न देखें क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है, 57 का जवाब देने का प्रयास करें, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ये पेपर लेकर आए हूं, क्वेश्चन लेकर आए हूं, इन्हें ना ही बहुत आसान प्रश्न है ना ही बहुत कठिन है, तो कठिन और आसान दोनों कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब दीजिए, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, ये प्रश्न अच्छा है, देखिए बोरियल वन का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन कौन सा है, 58 नंबर का जवाब दीजिए, क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कर दें और शेयर करें, 58 का जवाब क्या हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, वन उत्पाद। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रश्न देखें मानव का, एक सेकंड, मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है किस चीज को बचाने में या बढ़ावा देने में, 59 का उत्तर बताइए। आशमा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मधु, स्वाति वेरी गुड, अभिषेक, आराध्या, प्रीतु वेरी गुड, सत्यम प्रजापति, अनीशा, पिंटू, प्रीति, तबस्सुम, राजिया, 59 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर डी का उत्तर हो जाएगा, तापीय अपरदन को प्रेरित करना। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 60 है, जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है, क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब दीजिए। आज कठिन लग रहा है क्या क्वेश्चन, बताइएगा कमेंट में, 60 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ए आंसर कर रहे हैं, संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात बिल्कुल सही है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई, 61 का जवाब दो। आर समाज। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेरिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर। निखिल बहुत बढ़िया, कोमल ठाकुर, ताशीन, रीना, नीरज भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब क्या हो जाएगा, 110 लोग जुड़ चुके हैं क्लास में, मात्र 40 लोगों की कमी है, आप लोग शेयर भी करते रहिए बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब आपका ऑप्शन यहां पर बी सही है, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ बिल्कुल सही है। अगला देखिए 63 नंबर है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया किस चीज पर, क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब दीजिए। पूनम पाल बहुत अच्छा, नीतू कुमारी, सत्यम भाई बहुत बढ़िया, सतीश यादव, दीपक कुमार, भीम आर्मी, क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब क्या हो जाएगा।
63 का राइट आंसर बताइए, 63 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रश्न है 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 64 का जवाब बताइए। एक लाइक की कमी बची है 100 लाइक कंप्लीट होने में, कोई हमारा आज का एक लकी स्टूडेंट क्लास को लाइक करके 100 लाइक कंप्लीट कराएगा भैया, देखते हैं भैया किसके हाथ से 100 लाइक कंप्लीट होता है, कमेंट में लिख के बता देना कि सर लाइक कर दिया मैंने, जल्दी से कोई एक लोग जल्दी से लाइक करें एंड शेयर करें क्लास को। वेरी गुड, वेल डन, क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब, 64 का उत्तर क्या हो जाएगा, 64 का ए हो जाएगा, गांधी जी के अनुयायियों द्वारा, गांधी जी के अनुयायियों द्वारा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 65 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, ये पूछा भी गया था और कई बार रिपीट हुआ है, 65 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, अर्पिता ने लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत अच्छा, और भी लोग देख लो जिसने लाइक ना किया हो जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर, 65 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर, जितने भी स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है, लाला हरदयाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 66 है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने, 66 का उत्तर बताइए, आशमा ने भी लाइक कर दिया है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग लाइक करें और कमेंट में लिख के बताएं भाई 66 का जवाब क्या हो जाएगा, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1929। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 67 है, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे, क्वेश्चन नंबर 67, धीरज भाई आप भी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, राजिया जी ने भी लाइक शेयर कर दिया, बहुत अच्छा, रीना वेरी गुड, प्रीति बहुत बढ़िया, संजू ने भी कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, लाल जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, अब बस बाकी है 150 लाइव वॉचिंग कंप्लीट होने में, 125 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। 67 का उत्तर क्या हो जाएगा, 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, बताइए, मैंने भूगोल वाली जब क्लास कराई थी तो उसमें ये क्वेश्चन कराया भी था आपको, क्वेश्चन नंबर 68 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहते हैं इसको, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग क्लास स्टार्ट होते ही लाइक एंड शेयर कर देते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम याद दिलाते हैं तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, अच्छी बात है। 69 का उत्तर क्या हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, मतलब हमको कहना ही नहीं चाहिए था, हमको कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी आप लोगों को भाई, बिल्कुल फ्री में क्लासेस करा रहे हैं, अच्छी अच्छी क्लासेस करा रहे हैं आपके लिए, जो बेस्ट है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको खुद इतना करना चाहिए कि लाइक एंड शेयर ही तो करने को बोलते हैं सर, ठीक है, उसमें सर को बोलना पड़े उसके बाद करें तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, सभी लोग कर दिया करो भाई। 69 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुंदरी, बिल्कुल सही है, सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरी, बहुत बढ़िया, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 देखें, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है, 70 नंबर का जवाब दो, कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है बताइए, स्तुति कह रही है कि आज का क्वेश्चन बेस्ट है, आज मैंने ना ही बहुत आसान क्वेश्चन लिया ना ही बहुत टफ लिया है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आसान भी नहीं आता कभी कभी, मॉडरेट लेवल है नहीं, थोड़ा सा टफ आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आसान आसान ही कराऊंगा, मैं हर तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। आप कुछ लोगों को आज क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब लग रहे हैं, बहुत थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन, ताकि आप डरे मत जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, हर तरीके से प्रिपेयर रहें आप। 70 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, मिसिसिपी मुहाने का शकुंचन। अगला देखें, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 है, भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 71 का जवाब, का सी का उत्तर हो जाएगा 226 मीटर। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रश्न देखें, निम्न में कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है, क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब क्या हो जाएगा। काफी लोग आज के क्वेश्चन का तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमें भी मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन पसंद आए, लगे कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके पीछे थोड़ी मेहनत रहती है हमारी, उसी को आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल 142 लोग जुड़ चुके हैं, मात्र 8 लोगों की कमी है 150 लाइव वॉचिंग कंप्लीट होने में। क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब डी करेक्ट हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो बिल्कुल सही जवाब है, माउंट किलिमंजारो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम कौन सा है। 73 का जवाब बताइए। चलिए बहुत अच्छा, 73 का जो राइट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टुंड्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टुंड्रा। अगला देखें नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 74 है, जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है किस वनों में। क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर बताइए। पूनम बहुत अच्छा, अंजलि वेरी गुड, प्रदीप, सूर्यांश, स्वाति, रिद्धि, स्वेटी, विनीता, तौफीक, उत्तर क्या हो जाएगा 74 का बताइए। अपने मन से उत्तर किया करें, किसी का कॉपी ना करें और जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। स्तुति चौधरी लिख रही हैं कि सर एक दिन 500 प्लस लाइक एग्जाम से पहले करवा कर रहूंगी, सच में आप बहुत मेहनत करते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मेरी मेहनत इसी आयक होगी तो 500 लाइव वॉचिंग भी आएंगे और 500 लाइक भी होगा, हमें आप लोगों पर बिल्कुल भरोसा है, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक दिन जरूर लाइक की संख्या और लाइव की संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है। 75 का जवाब दीजिए। चलिए बहुत बड़े बेहतरीन, 75 का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, ए जितने लोग बोले उस कटबंधीय घास के मैदान। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 76 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब एक प्रश्न सेंसस से भी पूछाता है, सेंसस से भी पूछाता है क्योंकि जनगणना आपका 2011 वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। 76 का उत्तर बताइए, ए का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का जवाब दीजिए। लाइव वॉचिंग की संख्या कम हो गई कल की तरह, 142 लोग आ चुके थे, मात्र 8 लोगों की कमी थी, लेकिन वापस से 20 लोग चले गए, 122 लोग बचे, तो बस यही चीज थोड़ा सा निराश करता है कि हम एक पीक पॉइंट पर पहुंचे हैं, वापस आ जाते हैं नीचे, तो थोड़ा सा निराश होते हैं, बट कोई नहीं, हम फिर से चढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे भाई, फिर से वहां तक पहुंचेंगे, कोई बात नहीं, आगे पीछे तो लगा ही रहता है ना, बस आप लोग का साथ रहा तो जरूर पूरा होगा, सब लोग शेयर करते रहेगा। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर डी का उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा, बताइए। बढ़िया प्रश्न है, 79 का जवाब। चलिए बहुत बढ़िया, मरियम जी वेरी गुड, नंदिनी बहुत बढ़िया, माया, प्रीति, श्याम सुंदर, तहशीन, संजू, 79 का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है। 80 नंबर का जवाब बताओ। तस्लीमा नसरीन बहुत अच्छा, बबली वेरी गुड, प्रदीप बहुत बढ़िया, लक्ष्मी, अश्मिता, 80 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, तो 80 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन यहां पर डी का उत्तर हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रश्न है भारतीय संघ कौन से देश के संघ से के सदृश है। क्वेश्चन नंबर 81 का जवाब बताएं आप लोग, 81 का उत्तर क्या हो जाएगा, आज टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने हैं बताइए, आप लोग अभी से बोर हो रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होगा बताइए, कल जबरदस्त क्वेश्चन कराया था, आज फिर लेकर आया था आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 81 का जवाब बताइए, डी का उत्तर हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 82 है, देखिए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है, 82 का जवाब।
82 का जवाब क्या हो जाएगा, 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर, जितने लोग उत्तर सी आंसर कर रहे हैं 8 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है, क्वेश्चन नंबर 83 का जवाब करना है ना, तो सभी लोग शेयर करें क्लास को, 150 लाइव वॉचिंग आज कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल ये आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोग ही कर सकते हैं, सभी लोग शेयर करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 देखें, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा, 84 का आंसर बताइए, निशांत, अंजलि, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, विनीता, आराध्या, रीना, तबस्सुम, धीरज, क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इंडियन इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया, 85 का जवाब बताइए, का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सी का उत्तर हो जाएगा 2005 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत का निर्वाचन आयोग है, क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86 का सही जवाब आपका ऑप्शन यहां पर डी का उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 87 है, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 87 का उत्तर बताइए, सभी लोग नोट्स को जरूर परचेज कर लो, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपको, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगे, वरना जैसे ही समय कम बचेगा, 10-15 दिन बचेगा, आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, कैसे हम तैयारी कंप्लीट करें अपनी, शायद मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा या मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप अभी से इंपॉर्टेंट चीज को ले लोगे तो उसको आप सही तरीके से एक रोड मैप बनाकर तैयारी कर सकते हो। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, 700-7647-151, या नंबर बोल दे रहा हूँ, लिख लेना आप लोग, 700-7647-151, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं मात्र 175 रुपीज में। 87 का उत्तर डी हो जाएगा, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 88 है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, क्वेश्चन नंबर 88 का जवाब बताइए, अट्ठासी का जवाब ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 है, देखिए निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, या तो ऑप्शन ए सही है और या तो बी सही है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 89 का उत्तर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखें, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, चलिए भैया क्या आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा आप 96 से, चलिए देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 96 का जवाब बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के। आज सुबह 11 बजे वाली क्लास में काफी कम बच्चे जुड़े थे, जो लोग क्लास नहीं ले पाए थे चैनल पर जाकर 11 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, क्वेश्चन नंबर 96 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, सभी लोग लाइक एंड शेयर करें क्लास को। राजन कह रहे हैं कि सर कुमारी के जगह कुमार हो गया है तो क्या करें फॉर्म में, अगर आप बिहार बीएड की बात कर रहे हैं तो आप 1 जून के बाद में इसका करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपका यूपी बीएड में हो गया है तो करेक्शन चल रहा है, 15 तारीख लास्ट डेट है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का उत्तर क्या हो जाएगा, 97 का राइट आंसर बताइए, बी का उत्तर हो जाएगा भाई, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, 98 का जवाब दीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए।
98 का जो सही जवाब है, काफी बच्चों ने सही उत्तर दिया है 98 का, एक उत्तर हो जाएगा, जेंडर पक्षपात कर रहा है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को ध्यान देना चाहिए। अगला देखें, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 99 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली रहेगी। 99 का जवाब दीजिए। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 99 का जवाब आपका ऑप्शन, यहाँ पर जितने लोग उत्तर ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा मनोवैज्ञानिक है भाई, शेयर कर दो, संख्या नहीं बढ़ रही है क्लास में, सभी लोग शेयर करें क्लास को एंड लाइक करिए। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर जितने लोग आंसर कर रहे हैं बी हो जाएगा भैया, लेव वाइगोत्स्की, बिल्कुल सही है। अगला देखें, नेक्स्ट क्या है, एक नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। 101 का जवाब, एक नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा मनीषा, निखिल बताइए। सना कह रही है सर शेयर कर क्यों, लेकिन अभी तक नोट्स हो गई है लग रहा है, न्यूज हो गई। एक नंबर का राइट आंसर दो फटाफट बताइए, या तो बिरयानी बनाने चली गई होगी। एक नंबर का उत्तर बताओ, एक का उत्तर डी हो जाएगा, व्याख्यान विधि। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष में से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। दो नंबर का उत्तर बताइए, दो का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए हीना से खवाई है, दो नंबर का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। चांदनी बहुत बढ़िया, माया वेरी गुड, महावती वेरी गुड, नीतू, सोनी कुमारी, सुहानी वेरी गुड, अनीशा, चलिए अजमल गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, एक उत्तर हो जाएगा ज्ञान। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो लोग लेट में क्लास को ज्वाइन करते हैं भाई टाइमिंग सेट कर लो, 7 बजे टाइम से आ जाया करो, ठीक है, पंक्चुअल होइए, पंक्चुअल नहीं होंगे तो क्या करेंगे लाइफ में। 3 नंबर देखें, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो अभी, आप मुझे ही देख लीजिए, अगर मैं क्लास का टाइम फिक्स ना करूं, मैं 7 बजे के बजाय 7:30 पर आऊं, 8 बजे कभी भी लाइव स्टार्ट हो जाऊं, तो आप खुद कहोगे सर टाइम से सेट करिए तभी तो हम आ पाएंगे, है ना। जब तक आप टाइम नहीं बनाओगे, अपना फिक्स नहीं करोगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, अभिप्रेरणा स्तर। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन डैश डैश के बीच में बीच की संगति है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, चार नंबर का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुक्रिया। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर है प्रश्न, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आपका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, निगमन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी के विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, 3 आपके ऑप्शन दिए गए हैं देख सकते हैं, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, दूसरा स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, तीसरा अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 नंबर का उत्तर बताइए, टी वाला सही हो जाएगा, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है, शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माधुरी बहुत अच्छा, वेरी गुड अलका श्रीवास्तव, सना वेरी गुड, रिद्धि, प्रीति, अमन, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताइए।
सात नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर जितने भी लोग उत्तर कर रहे हैं, सेवन का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया, अन्वेषण बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, आठ नंबर का जवाब बताइए, आठ का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आठ नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, योजना बनाना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नौ है, निम्न में कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है, नौ नंबर का उत्तर बताइए भैया, क्लास छोड़कर क्यों जा रहे हो? वैसे ही कह दीजिए कि सर थक गए, बंद कर दीजिए, अब मैं चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, आप भागे जा रहे हो, गायब हो रहे हो सब लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर नौ का उत्तर बताइए निखिल, बहुत बढ़िया मनीषा, रीना वेरी गुड, बबली, नौ नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 109 का डी हो जाएगा भैया, निगमन और आगमन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। दस नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कौशल अंतरण के एक गति है ना कि उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि लब्धि की गणना जिसको आईक्यू लेवल कहते हैं, गणना सही सूत्र क्या है बताइए, आईक्यू लेवल निकालने का सही फॉर्मूला क्या है बताइए, याद कर लेना फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी मानसिक आयु और वास्तविक आयु देता है और आईक्यू लेवल पूछ लेता है, तो आपको इसी फॉर्मूले पर रखकर निकालना है आंसर। 11 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, यूपी बोर्ड में करेक्शन चल रहा है, 15 तारीख लास्ट डेट है, और बिहार बोर्ड में 1 जून के बाद में आप कर सकते हैं करेक्शन। 11 नंबर का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर देंगे, इस फॉर्मूले पे रखोगे ना वास्तविक आयु मानसिक आयु और गुणा 100 कर दोगे तो निकल आएगा आईक्यू लेवल बच्चे का। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताइए, ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं आपको। अर्चना जी साइबर कैफे पे जाइए, यूपी बीएड की अगर आप बात कर रही हैं तो 15 तारीख लास्ट डेट है करेक्शन की, अगर बिहार बीएड से हैं आप तो 1 जून के बाद आप करेक्शन कर सकते हैं 7 जून तक, ठीक है, बिल्कुल साइबर कैफे पे जाकर सही करा सकते हैं आप। 112 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन डीवी। अगला देखें नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है, 113 का जवाब, 113 का उत्तर क्या हो जाएगा? सृष्टि बहुत अच्छा, राम बालक वेरी गुड, नीतू, सुलेखा, रंजीत, प्रीति बहुत बढ़िया, हीना वेरी गुड, दीपक कुमार, अभिषेक, सत्यम प्रजापति, क्लास को लाइक कर देना जिसने नहीं किया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्या हो जाएगा? 13 का डी हो जाएगा भैया, कल्पना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, 114 का जवाब। चौदह नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का एक अर्थ हो जाएगा, विस्मरण है। अगला देखें नेक्स्ट है, 15 नंबर, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है किसके अंदर, 115 का जवाब दीजिए। पंद्रह नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 15 का सी करण उत्तर हो जाएगा, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर, कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर। धीरज तिवारी बहुत बढ़िया, लवलेश कुमार, शादिक वेरी गुड, चांदनी, राजलक्ष्मी, शना, माया शर्मा, सोना चौहान, हीना, सत्यम, उत्तर क्या हो जाएगा 16 का? सोलह नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वनमानुषों पर। अगला प्रश्न है 17 नंबर देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डायजेस में भी उच्च होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब। हाँ हो सकता है, सेंटर भी चेंज हो सकता है। 17 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सृजनशीलता। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है, 118 का जवाब बताइए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रुचि। अगला प्रश्न देखें, 19 नंबर है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब बताइए। उन्नीस नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तार्किक विधि, बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट TAT का विकास डेजल द्वारा किया गया था। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, जिसने नहीं किया है, भूल गए अभी तक नहीं किया लाइक तो लाइक कर देना, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आप सभी को अगर नोट्स परचेज करना है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर से जरूर नोट्स को परचेज कर लें, बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपने बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैंने तो किताब ले लिया है, मुझे नोट्स की क्या जरूरत है, किताब और नोट्स में जमीन आसमान का फर्क है। किताब में बहुत सारी फालतू चीज़ें दी रखी हैं, आप उसी में उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे और आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा। और जो नोट्स है वो बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें होती है, बेस्ट टीचरों में एक्सपर्ट के द्वारा बिल्कुल लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 120 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मरे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास दोस्तों, जिनको भी नोट्स हमारा परचेज करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ये नंबर दिख रहा है ना आपको, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड का या यूपी बीएड का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी दी जाएगी। अर्चना जी आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आप काफ़ी परेशान लग रही हैं, कह रहे हैं कि आप हो नहीं रहा है, एक बार आप बात कर लीजिए मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।